हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, और ये आपकी क्लास 40 है। तो आज का टॉपिक है आपका QS हैव रिलीज द वर्ल्ड यूनिटी सॉरी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ऑफ 2019 की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है वो QS ने रिलीज़ कर दी है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 6 जून को ये रिलीज़ की गई है, डेट है जो आपकी जो आपको ध्यान में रखना है, और ये इसका 15th एडिशन है। अभी इससे पहले तक 14th बार इन्होंने रैंकिंग को रिलीज़ किया है। इसमें क्या होता है, 1000 ये यूनिवर्सिटीज़ को, वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ को वो आइडेंटिफाई करते हैं 85 डिफरेंट कंट्रीज़ से, और उसके बाद वो एक लिस्ट बनाते हैं, एक रैंकिंग बनाते हैं, और वहाँ पे उस बेसिस पे ही वो प्रोवाइड करते हैं डेटास कि कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितनी अच्छी हैं। तो अभी तक MIT को, जो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है आपकी, ये फर्स्ट मतलब इसको फर्स्ट रैंक मिली है, और ये अभी तक 7th ईयर्स तक लगातार इसको फर्स्ट रैंक मिल रही है। उससे पहले तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलती थी। तो अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, जो फाइंडिंग्स हैं रिजल्ट्स की, जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि US को ऑलमोस्ट टॉप 4 पोजीशंस मिली है, एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को 5th ग्लोबली मिली है, जो कि UK की टॉप है। देन US एंड UK की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिकॉर्ड में इम्प्रूवमेंट भी देखा गया है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने जिसमें उन्होंने काम किया है। कॉन्टीनेंटल यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ की ज्योरिक की ETH ज्योरिक को बेस्ट यूनिवर्सिटी की का मतलब उनको अवार्ड मिला है, ये 7th रैंकिंग पे आते हैं। देन अगर एशिया की बात करें तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को 11th पोजीशन मिली है, एंड उसके अलावा चाइना ने फर्स्ट टॉप 20 में अपनी पोजीशन बनाई है, और तिसिंगगुआ जो यूनिवर्सिटी है उनकी वो 17th प्लेस पे है। इसके अलावा जो लेटिन अमेरिका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखी गई है, बट अर्जेंटीना की एक जो यूनिवर्सिटी है उसको हाईएस्ट रैंक मिली है अभी तक की, जो कि 73rd है, एंड इससे पहले उनकी रैंक 75th थी। तो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, और ये आपकी लिस्ट है यूनिवर्सिटी की टॉप 20 की, जो 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनके नेम हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। QS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेक क्वार्टरली साइमंस करके इसका नेम है। QS अपने आप में सेल्फ सफिशियंट है, QS नाम से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2019 की रैंकिंग है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।